आज 2 सितंबर 2023, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक, संपूर्ण शरीर हल्का रिलैक्स अनुभव करेंगे। मैं एक ज्योति हूँ, इस शरीर रूपी कुटिया के अंदर प्रकाशित ज्योति। ज्योतियों के भी ज्योति महाज्योति शिव बाबा मुझ आत्मा की उझाई हुई ज्योति के अंदर ज्ञान घृत डाल रहा है। जैसे ही ज्ञान के सागर शिव बाबा से ज्ञान का घृत मुझ आत्मा के अंदर पड़ रहा है, मुझ आत्मा की ज्योति प्रकाशित होते जा रही है। गुरु की दशा, बृहस्पति की दशा बैठते जा रही है। दिनों दिन मेरी खुशी बढ़ते जा रही है। पतित पावन शिव बाबा की याद से मुझ आत्मा के अंदर जो रावण के संस्कार है वो समाप्त तो हो रहे हैं। मेरी चेतना सतयुग की चेतना बनते जा रही है। हमेशा मैं आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहती हूँ। ज्योति उस परम ज्योति के प्यार में समाई हुई रहती है, इसलिए देह के संबंधों से स्वतः ही निवृत्त हो जाते हो। नेचुरली सोल कॉन्शियसनेस की दृष्टि रहती है। बाबा के साथ कंबाइंड रहने से, बृहस्पति की दशा रहने से सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाली मैं खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, और भगवान भी मुझे देखकर खुश हो रहा है। मेरे ऊपर अपना वरदानी हाथ रखा हुआ मुस्कुराता हुआ शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प बाप के साथ कंबाइंड रहकर देह और देह के संबंधों से निवृत्त पाई है। सदा अपनी ज्योति जगी हुई रखी है। हर कर्म जागती ज्योत से, जागती ज्योति में रहते हुए करते हो। सदा संतुष्ट और खुश रहकर औरों को भी संतुष्ट करते हो, इसलिए बाप आपके ऊपर खुश है। बाप की सर्व शक्तियां, दुआएं और वरदान हमेशा आपके साथ है। जाओ, विश्व की बुझी हुई ज्योति से उसे मुक्त करो।
सबकी ज्योति जगाओ। बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं दिल से बाबा को धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।